नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आपनुं हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण 12 विषय हिंदी चेप्टर 10 ना स्वाध्यायना सोल्यूशननी संपूर्ण चर्चा करीशुं। तो जो तमे चेनलमां नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी दो, जेथी तमाम विषयनी माहिती तमने मळती रहे। तो चालो शुरू करीए चेप्टर 10 कारतूस। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुन कर लिखिए। प्रश्न 1, वजीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है? जिसका उत्तर आएगा बी, लेफ्टिनेंट। प्रश्न 2, सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? जिसका उत्तर आएगा ए, कर्नल को। प्रश्न 3, वजीर अली वकील का कत्ल करके कहां भाग गया? जिसका उत्तर आएगा सी, आजमगढ़। प्रश्न 4, सवार किससे मिलना चाहता था? इसका उत्तर आएगा बी, कर्नल से। प्रश्न 5, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? इसका उत्तर आएगा सी, 10। આગળ વધતા પહેલા અમારી એપ્લિકેશન છે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરો। ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે। અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો અને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો, એટલે 4 અંકનો ઓટીપી આવશે, તેને એન્ટર કરો એટલે લોગિન થઈ જશો। ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે જ્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન, આ ઉપરાંત તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી, બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તદુપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં જતા જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન, જેમાં પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, તમામ વિષયની માહિતી અહીંથી મળતી રહેશે। તો આ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરો। તો ચાલો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન 2, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં લખીએ। પ્રશ્ન 1, કર્નલ કાલિઝને ખેમા જંગલ મેં ક્યો લગાયા થા? जिसका उत्तर आएगा कर्नल कालिंस ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। प्रश्न 2, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे? जिसका उत्तर आएगा सिपाही जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, पर वह उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ गए थे। प्रश्न 3, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर आएगा कर्नल यह जानकारी रखना चाहता था कि सवार किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए कहा। प्रश्न 2, कंपनी का क्या हुक्म था? जिसका उत्तर आएगा कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। प्रश्न 5, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? इसका उत्तर आएगा सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने कर्नल से कारतूस हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने कर्नल से कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रानी हूर की याद क्यों आती थी? जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। प्रश्न 2, सादत अली कौन था? वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझता था? जिसका उत्तर आएगा सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था, वह अवध का नवाब बन गया था। वजीर अली नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन था, इसलिए सादत अली वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। प्रश्न 3, सादत अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? जिसका उत्तर आएगा सादत अली कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी था, उसने अपने आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नकद कर्नल को दे दिए थे। कर्नल ने सादत अली को इस मकसद से तख्त पर बिठाया था। प्रश्न 4, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? जिसका उत्तर आएगा कंपनी के वकील के कत्ल के बाद वजीर अली अपने जानीसार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया।
उसके बाद उसका कांखा गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है। प्रश्न 5, कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया? जिसका उत्तर आएगा, घुड़सवार ने कर्नल के खेमे में घुसकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उससे 10 कारतूस हासिल कर लिए। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर घोड़े पर सवार होकर भाग गया। यह देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। प्रश्न 1, हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है, ऐसा लेफ्टिनेंट को क्यों लगता है? जिसका उत्तर इस प्रकार है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। प्रश्न 2, वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की? जिसका उत्तर इस प्रकार है, प्रश्न 3, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? जिसका उत्तर इस प्रकार है, एक दिन पर घुड़सवार काफी धूल उड़ाता हुआ जंगल में खेमे की तरफ आता है। खेमे पर पहुँच कर वह कर्नल से मिलने की इजाजत लेकर अंदर आता है और वहाँ खेमा डालने का कारण पूछता है। कर्नल जवाब देता है कि वह वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ खेमा डाले पड़ा है। सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल से कारतूस की मांग करता है। कर्नल खुश होकर उसे 10 कारतूस देता है और उसका नाम पूछता है। सवार जाते जाते जवाब देता है वजीर अली, फिर वह सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए निकल जाता है। इस प्रकार हिम्मत भरी तरकीब से सवार कर्नल से कारतूस हासिल करता है। प्रश्न 4, वजीर अली एक जाजाब सिपाही था, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, थैंक यू।